सिंह का एक बड़ा निंदनीय और शर्मनाक बयान आया, जिस तरह से इन्होंने खासकर यादव समाज पर उंगली उठाई, उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए कम है। और कैप्टन अजय सिंह को एक बात सोचनी और समझनी चाहिए कि वो जिस समाज से बिलोंग रखते हैं उसी वजह से इनको, क्योंकि आहिर बाहुल्य क्षेत्र है, इसी वजह से इनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। और 6 बार न केवल आहिर समाज ने बल्कि रेवाड़ी की जनता ने, 36 बिरादरी के लोगों ने इनको सर आंखों पर बिठाया। और ये कहते कि मेरे साथ धोखा किया, तो धोखा क्या किया? प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी वोट देने का अधिकार है, और अगर धोखा किया तो कैप्टन अजय सिंह ने रेवाड़ी की जनता के साथ किया। इनको मैंडेट इसलिए दिया, इनको जिताया इसलिए कि ये सबका काम, सबका विकास कराएंगे। इन्होंने केवल और केवल अपने परिवार तक विकास कराया, चाहे वो नहरी पानी की बात हो, चाहे स्कूल और कॉलेज खोलने की बात हो, पेट्रोल पंप पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी लेने की बात हो, अपने रिश्तेदारों को एचसीएस और तहसीलदार लगाने की बात हो, म्युनिसिपल कमेटी में अपने रिश्तेदारों को ठेका देने की बात हो, जो भी कुछ कैप्टन अजय सिंह ने किया वो केवल और केवल जनता की जो ताकत थी अपने परिवार के लिए किया। इन्होंने रेवाड़ी की जनता के साथ विश्वासघात किया। और ये अगर ये कहते हैं कि मैं 6 बार बनके मैंने लोगों को काम किया, तो पहले लोगों ने इनके प्रति अपनी आस्था जताई, और लोग अगर इनको एमएलए नहीं बनाते तो आज अनेक हमारे फौजी अफसर इनसे बड़े रैंक से भी रिटायर होकर आते हैं। उनकी परिस्थिति की बात अगर आप करेंगे तो आज भी वो कहीं ना कहीं जो आज कैप्टन अजय सिंह की हालात है, चाहे ये गुड़गांव में जिस तरह के घर में रहते हैं, जिस तरह की इन्होंने आज दुनिया भर के न जाने कितना ही पैसा जनता की ताकत से बनाया, और आज भी ये अपने एक ही बात के लिए परेशान और दुखी हैं कि मैं तो चुनाव हार गए, इन्होंने तो, मैं तो कहता हूँ इन्होंने फौजी भाइयों को भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने का काम किया। इस इलाके के फौजी तो पूरे विश्व में इस बात के लिए जाना जाते हैं कि चुसूल सेक्टर में 117 लोगों ने, नौजवानों ने उस टाइम जिस तरह से 1962 में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में चाइना के दांत खट्टे किए, और वो बहादुरी की जो एक मिसाल कायम की, आहिरवाड़ के फौजी को उस रूप में जाना जाता है। आज एक इस फौजी होते हुए जिस तरह से इन्होंने कमजोरी की बातें करके इस इलाके को शर्मिंदा करने का काम किया, और खासकर पूरे आहिर कौम को गाली देने का काम किया, इसको आने वाले समय में रेवाड़ी की ये जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी, और इस बात का इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पुरजोर इनका विरोध होगा। अगर इन्होंने आहिर समाज से माफी नहीं मांगी, हालांकि ये मांग लेंगे क्योंकि ये पलटू राम है, ये इतने बड़े पलटू राम है कि इनका जब भी कभी दाव लगता है ये 1 मिनट में किसी के खिलाफ बोलते हैं, अगले दिन ही ये अपनी बात से पलट जाते हैं। और गिरगिट भी शर्मा जाता है कई बार कि उसको भी समय लगता है रंग बदलने में, लेकिन मेरे बड़े भाई कैप्टन अजय सिंह को कभी भी इस चीज में भी समय नहीं लगता, 1 मिनट में रंग बदल लेते हैं। ये कल तक चाहे हुड्डा साहब का विरोध करते रहे, आज शायद उनके समर्थन के लिए गए भी होंगे उनके पास समर्थन मांगने, मतलब इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो रेवाड़ी की जनता ने बखूबी देख लिया। और अब ये एक ही बात से परेशान है कि मैं अपने बेटे को विधायक कैसे बनाऊं। कैप्टन अजय सिंह साहब, आप लड़ो, चाहे आपका बेटा लड़े, रेवाड़ी की जनता आपका बड़ी बेसब्री से फिर दोबारा से इंतजार कर रही है। और आपको समय से पहले ही शायद पता लग गया कि रेवाड़ी में आप 9 विधानसभा क्षेत्रों में, आप 3 में तो जो आप छोड़ दीजिए, जहां मुस्लिम बाहुल्य, जहां मुस्लिम भाई रहते हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, वो तो किसी कारण आप भी समझते हम भी समझते जिस तरह से आप वहां जीत सकते हैं, बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आपकी सबसे बुरी कहीं दुर्गत होगी तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में होगी, क्योंकि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग आपके कर्मों को जानते हैं। और आप जब सत्ता में थे तो आपके पास चाहे कोई बावड़ से आता था, चाहे कोई पटौदी से आता था, आप कहते थे आप मेरे विधानसभा क्षेत्र से बाहर के आदि में आपका काम नहीं करूंगा, तो आपको बाहर के लोग वोट कैसे दें? और रेवाड़ी के लोग आपके आपके खुद के गांव में आपकी दुर्गति होगी, आपकी खुद की ससुराल में होगी, पड़ोस के गांव का नहर का पानी भी आपने अपने खेतों में ले जा रखा है, पड़ोस के गांव के आपने अनेक गांव जिनके नौजवानों को आपने रोजगार देना चाहिए अपने गांव के या गोकलगढ़ गांव के, उनको भी आप रोजगार नहीं दे पाए। आपने पिछली दफा 35 बिरादरी की पंचायत हुई तो उसकी भी अगुवाई करने वाले आप थे, आज आप जाट भाइयों की थोड़ी बहुत तारीफ करके उनकी सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, वो भूले नहीं होंगे इस बात को कि जब जाट आंदोलन की बात थी तो आप सबसे ज्यादा अगर कोई अगुवाई कर रहा था तो उसकी कैप्टन अजय सिंह मुखर विरोध कर रहा था। आज ये किस तरह की चाल चली थी, क्यों समाज को बिगाड़ने का तोड़ने का काम कर रहे हो? इस रेवाड़ी की जनता ने आपको 6 बार चुना है, आपको अपने दिलों पर राज कराया है, तो इसकी कम से कम आप इतना कृतज्ञ ना बने। आपको प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कोई वोट दे या ना दे ये जनता का फैसला है, आप जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार करें। आपने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली, आपने तो आज फौजियों के नाम को भी कहीं ना कहीं नीचा करने का काम किया।